गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 9.1 पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 कवर करेंगे। इसमें पहला सवाल का रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 6 सवाल हैं जिसमें से 2 सवाल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें से हमको व्यंजकों के पदों के गुणांक निकालना है और पदों को पता करना है कितने पद हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस व्यंजन के 2 भाग हैं, तो पहला पद हो जाएगा फाइव, पहला पद बराबर फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर, दूसरा पद बराबर माइनस थ्री जेड वाई। और गुणांक निकालना, तो गुणांक का परिभाषा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया है। जो चर रहते हैं उनके जो संख्यात्मक गुणनखंड रहते हैं उसी को गुणांक कहा जाता है। यहाँ पर फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा फाइव। यहाँ से क्या करते हैं, जिसका गुणांक निकालना उसको ढक लेते हैं, उसके बगल में जो संख्या दिखाई देती है वही उसका गुणांक हो जाता है। यदि कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको एक मान लिया जाता है। तो इसको ढक रहा है तो देख रहे हैं फाइव दिखाई दे रहा है, इसलिए गुणांक फाइव हो जाएगा। चिन्ह के साथ देखते हैं थ्री जेड वाई का गुणांक बराबर माइनस थ्री। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा, यहाँ पर देखें तीन पद है, पहला पद बराबर एक, दूसरा पद यह हो जाएगा एक्स, तीसरा पद एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करें, तीनों पदों का गुणांक निकालना है। एक का गुणांक, अब एक यहाँ पर एक से लिखा गया है, एक लिखा गया है, हम बोले हैं कि चर का गुणांक निकालना है। यदि एक लिखा जाएगा तो वहाँ पर एक्स टू दी पावर जीरो समझ जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़े हैं हम लोग कि एक्स टू दी पावर जीरो यानी कोई भी संख्या रहेगा चल रहेगा उस पर यदि जीरो का था, उसका मतलब एक होता है। तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर जीरो रहेगा तो उसका गुणांक एक ही होगा। तो एक का गुणांक नहीं समझेंगे, एक्स टू दी पावर जीरो का गुणांक समझेंगे। तो यहाँ पर अब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणे में देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है संख्यात्मक गुणनखंड नहीं रहता है वहाँ पर वन माना जाता है, वन हो गया। फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक, सेम सिचुएशन है, इसके भी संख्यात्मक में इसके भी इसका भी संख्यात्मक गुणनखंड नहीं है, इसका भी गुणांक वन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसके इसमें 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों को एकपद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए और कौन कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी एक में भी नहीं है। तो यह बहुपद दिया गया है, बहुपदों का समूह दिया गया है और इसमें से एकपदी द्विपदी त्रिपदी निकालना है। तो हम लोग एक एक बहुपद देखेंगे, यह x + y 2 पद है, 2 भाग है, दो द्विपद हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसके बाद से 1000 एक पद है, या यहाँ पर लिख देते हैं, या देखें 4 पद है, हमको त्रिपद तक वर्गीकृत करना है। इसके अलावा अन्य जो रहेगा 3 पद से अधिक वाले रहेगा तो अन्य बहुपद में जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर। इसके बाद से यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 पद है तो त्रिपद हो जाएगा 7 प्लस वाई प्लस 5 प्लस। अब इसके बाद सही है, अब 2 पद है तो द्विपदी में जाएगा 2y-3y स्क्वायर। अब यह वाला देखें त्रिपद में जाएगा 2y-3y स्क्वायर प्लस 4y³। अब यहाँ पर है, यह भी देखें त्रिपद में जाएगा 5x-4y प्लस 3xy। यह देखें द्विपद में जाएगा
4z माइनस 15z स्क्वायर। और यह देखिए क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, हाँ ये बहुपद में जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, उसके बाद से पी क्यू आ गया। अब इसके बाद से अंतिम वाला दो पद है द्विपद में जाएगा, पी स्क्वायर क्यू प्लस। इसके बाद इस श्रेणी में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद से यह बच रहा है इसमें दो पद है तो यह भी द्विपद में जाएगा, टू बी प्लस टू बी। प्यारे बच्चों इस तरह से किताब में सवाल को देख करके बहुत आराम से सावधानी पूर्वक यह इनको हम लोग अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। अब इसके बाद से इसे पूछ रहा है कौन से बहुपद है जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो देखिए एक बहुपद और दो बहुपद इसमें चार पद हैं तो वह एक पदी द्विपदी और त्रिपदी में नहीं आते हैं। अब अगले प्रश्न में हम लोग जोड़ घटाना बहुपदों का जोड़ घटाना देखेंगे। प्रश्न नंबर तीन में कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बहुपदों को अलग अलग करके लिखा गया है। प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों का योग और अंतर हम लोगों को दोनों पढ़ना है, तो जिस बहुपद को जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा उसको क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके पहले जोड़ना रहेगा तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, घटाना रहेगा तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, यह बात ध्यान में रखेंगे और अगले स्टेप में ब्रैकेट तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमको इन तीनों बहुपदों को जोड़ना है, तो इसमें जोड़ना है इसमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट तोड़ेंगे, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए माइनस। अब ऐसा करने से फायदा यह होगा कभी कभार यहाँ पर माइनस चिन्ह रहता है तो दो चिन्ह होते हैं तो दिक्कत पड़ता है बच्चों को, यहाँ पर सिंगल सिंगल साइन करेंगे। कभी कभार यह बहुपद जो दिए गए हैं इनके पास माइनस साइन रहता है तो बच्चे लोगों को डबल साइन हो जाता है तो समझने में दिक्कत होता है, इसलिए ब्रैकेट कर देंगे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखें सजातीय पद, तो सजातीय पदों को एक साथ सरल करेंगे तो माइनस बी सी प्लस बी सी, बीज गणित की भाषा में या इनको कट किया जाता है, जैसे चार में से चार जाता है जीरो लिखा जाता है तो यहाँ पर जीरो न लिख करके इनको कट किया जाता है, अंत में जीरो लिखा जाता है। यहाँ पर सी ए प्लस में है सी ए माइनस में है, उसके बाद से यहाँ पर ए भी बच रहा है, यहाँ पर माइनस से भी या बी से भी कट जा रहा है बराबर जीरो, यह हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको जोड़ना तो कामा का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर बी से छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या करें, ए माइनस बी प्लस ए बी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस, यहाँ पर या ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सी माइनस सी प्लस ए सी। अब प्यारे बच्चों हम तो काम हटा करके लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे यह काम अगले लाइन से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, उस तरह से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब देखें क्या यहाँ पर माइनस बी है, क्या कहीं पर प्लस बी दिखाई दे रहा है, ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पर माइनस सी है क्या कहीं पर प्लस सी है, यहाँ पर माइनस सी है प्लस सी। अब देखें यहाँ पर माइनस सी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिर्फ प्लस सी दिखाई दे रहा है, अब जो बच रहा है उसको लिखा यहाँ से प्लस ए बी प्लस बी सी और यहाँ से प्लस ए सी। अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, प्लस कहाँ हटा के प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर ब्रैकेट तोड़ देंगे फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या करें, सजाती पदों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सजाती पद चार घाट वाला, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद से पी क्यू वाला माइनस थ्री पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू और बिना पी क्यू वाला फोर प्लस फाइव। अब इसके बाद से देख लेंगे यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा और छोटे का बड़े का चिन्ह लिखेंगे तो यह ज़्यादा है, माइनस तीन में से हो जाएगा ये और यह चर उसे कर जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ से यह ज़्यादा है इसलिए इसको घटाने के साथ में तीन जाएगा फोर पी क्यू और पाँच चार कितना हो जाएगा, यही हमारा
यार बच्चों अब चौथे सवाल में घटाना है। ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री में से फोर ए माइनस सेवन ए बी प्लस थ्री बी प्लस ट्वेल्व को घटाना है, तो में से के स्थान पर माइनस का चिन्ह लिखेंगे और में से के जो राइट में है उसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो लिखो ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और फोर ए माइनस सेवन ए बी माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी प्लस ट्वेल्व। हम लोग क्या करेंगे इसको सरल करने के लिए, इस वाले प्रश्न को इसी तरह से करते हैं, ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री माइनस, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का सब चीज बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक पास लिखेंगे, यहाँ पर ट्वेल्व ए है और यह फोर ए है, तो ट्वेल्व ए में से फोर ए को घटा दें तो एटी हो जाएगा, माइनस नाइन ए बी है और प्लस सेवन ए बी है, इस नौ में से सात जाएगा दो बचेगा, और यह बड़े बड़े बच्चे में लिखेंगे तो माइनस टू ए लिखा जाएगा, प्लस यहाँ से फाइव बी है और यह माइनस थ्री बी है, तो पाँच में से तीन जाएगा दो बच जाएगा टू बी हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों माइनस में टू बच जाएगा माइनस, यही हमारा। अब भी देखते हैं कर फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस थ्री जे डेड माइनस टू जे डेड प्लस टेन एक्स वाई जेड में से थ्री एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस सेवन जे डेड से तो माइनस में से भी के स्थान पर घटाने का चिन्ह माइनस लगाएंगे और इसको पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे। फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जे डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस सेवन जेड एक्स। अब इसके बाद से फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड माइनस घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, थ्री एक्स वाई माइनस फाइव वाई जेड प्लस सेवन जेड एक्स। अब घटा दें फाइव एक्स वाई में से थ्री एक्स वाई घटेगा तो टू एक्स वाई बच जाएगा, और यहाँ से माइनस टू वाई जेड माइनस फाइव वाई जेड माइनस सेवन वाई जेड माइनस में दोनों टूट जाएगा, और यह माइनस टू जेड एक्स और प्लस सेवन जेड एक्स, तो सात में से दो जाएगा प्लस पाँच जेड एक्स और प्लस टेन एक्स वाई